हेलो फ्रेंड्स, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम गुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे आईटीआई में जो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन नाम का सब्जेक्ट होता है उसके बारे में। आज जो हमने एक टॉपिक चुना है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि खुद में एक टॉपिक ना हो के दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनमें आपकी काफ़ी सहायता करेगा, जिसका नाम है स्क्वायर्स यानी वर्ग। वर्ग और वर्गमूल आपने अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखा हो तो डायरेक्ट आपको 400 का अंडर रूट पूछा था, यानी वर्गमूल पूछा गया था। तो अगर अपने को ये चीज़ें आए, अगर अपने इन पे महारत हासिल कर लें, इनको निकालना सीख जाएं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा मैथ का, ज़्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर को निकालने के लिए अपने सबसे पहले एक काम आपको करना है कि आपको एक से लेके 25 तक का स्क्वायर, एक से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको एक बार पढ़ना है। बार बार जैसे अपना इसको यूज़ करेंगे, एक से 25 का बार बार अपने यूज़ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। अगर आप एक से 25 तक का स्क्वायर याद कर सकते हो तो उसके बाद आपको 150 प्लस स्क्वायर याद करवाना मेरी जिम्मेदारी। आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ एक से 25 तक याद करने हैं, उसके बाद आपको 150 प्लस तक याद करवाना मेरी जिम्मेदारी। और आप अगर ये ढंग से कर लेते हो, अपने मन से कर लेते हो, तो आपको मैं अश्योर करता हूँ कि आप 2 या 3 सेकंड्स में 150 प्लस तक का स्क्वायर निकाल पाओगे, जो अभी तक कई लोगों के लिए महाभारत है। सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ लोगों के लिए ये महाभारत रहता है कि आपको जैसे ही दे दिया जाता है 99 × 99, तो लोग क्या करते हैं कि ये कैसे होगा, कि मैं क्या करूं, 99 × 99 करेंगे, वो ऐसे लिखेंगे 99 × 99, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही बेसिक मेथड को यूज़ करते हुए चलेंगे। और आप पिछले साल का पेपर उठा के देखना, सेकंड ईयर का, उसमें आपको 400 का पूछा गया है, 400 का वर्गमूल या शायद 20 का स्क्वायर पूछा गया है। तो देखिए कितना आसान था। और किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहली बात यही रहती है कि अपने उसका पैटर्न मालूम हो, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम हो, तो अपने उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा मैं, दो मेथड बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करते हुए आप 150 प्लस तक जा सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको करना है कंपेयर। क्या करना है भाई, कंपेयर। क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे किसको, जो आपका मैटर है, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, उसको आप कंपेयर करोगे फर्स्ट वन 50 के साथ और सेकंड वन आपका 100 के साथ। दो चीज़ों के साथ आप कंपेयर करोगे, किसको करोगे, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, जो संख्या आपको दी गई है स्क्वायर निकालने के लिए। पहला आप 50 के साथ करोगे, दूसरा आप कंपेयर करोगे 100 के साथ। करके बताता हूं मैं आपको, जैसे आपको अगर मैं संख्या दूं 48, तो कंपेयर करोगे किसके पास ज़्यादा है, किसके नज़दीक है। देखिए दोनों मेथड से हो सकता है, जो दोनों मेथड आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ उन दोनों मेथड से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड अपने कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करने पे जिससे ज़्यादा नज़दीक होगा उससे करने से अपने को आसानी होगी। तो अब 48 है तो इसकी अगर मैं तुलना करूँगा तो 50 के नज़दीक है, सबको दिखाई दे रहा है कि 50 के नज़दीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 98 या आप 96 ले लीजिए, तो उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा 48 के साथ, या मान लीजिए कि इस अगर एक ये मेरे पास है और एक 98 है, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 48 मेरा 50 के पास जाएगा और 98 जो है वो मेरा 100 के पास जाएगा। दोनों चीज़ें क्लियर है। अब अपने एक एक करके चलते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। पहले सिर्फ 48, तो 100 वाला मेथड अपने बाद में करेंगे, पहले 48 पे चलते हैं। अब 48 के साथ आपको क्या करना है, एक टर्म याद रखनी है 25। क्या याद रखना है, एक टर्म आपको याद रखनी है 25। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कितना है, दो कम है, 48 कितना है, दो कम है, किससे, 50 से, 50 से दो कम है, अपने को उतना ही कम यहां कर देना है, उतना ही कम अपने यहां कर दिया, कितना बचा, 23। ध्यान से दोबारा देख लीजिए स्टेप को, इन दोनों को कंपेयर किया, 50 से कितना कम है, ये दो कम है,
दो कम है तो उतना ही मैंने 25 में से माइनस कर दिया, तो दो कम करने के बाद कितना बचा 23, और उसी दो जो दो मैंने कम किया है उसी का स्क्वायर करके मैंने यहां लिख दिया, ये आपका आ गया 48 का स्क्वायर, ये आपने 48 का स्क्वायर कर दिया, 23 0 4। एक और लेते हैं, देखिए 47 नंबर लिया आपने, अब दोबारा से कंपेयर करेंगे कितना कम है, 3 कम है, तो 25 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 22। अब वही से मेथड, वही काम अपने दोबारा करना है जो पहले यहां किया था, जितना कम है उसी का स्क्वायर करके आगे लिख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, 0 9, क्लियर है। अभी इस पे दो चार एग्जांपल अपने और करेंगे, उसके बाद देखते हैं। अब अपने एग्जांपल ये तो थे 50 से कम वाले, ठीक है, अब 50 से ये तो एक दो दो तीन कम थे, थोड़ा सा ज्यादा डीप चलते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया उसने 42 का, कितने का 42 का स्क्वायर, अब 42 का स्क्वायर करने के लिए आप 50 से इसको कंपेयर करोगे तो कितना कम आएगा, ये आएगा आपका 8, कितना कम आ रहा है 8, 8 ही कम है 50 से। अब अपने वही 8 जो है उसको 25 से कम करेंगे तो बचेगा कितना 17, यानी ये मैंने किया 25 माइनस 8, ये कितना बच गया 17। अब जो मैंने कम किया उसी का स्क्वायर करके मैंने यहां पे लिख दिया, 8 जो कम किया था 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो दोस्तों ये आपका हो गया 42 का स्क्वायर। अगर आप इस मेथड पे प्रैक्टिस करते हो तो आप आराम से इसको एक दो सेकंड में करने लायक हो जाओगे, आप पॉसिबल इसको कर सकते हो, कोई भी आपको स्क्वायर मिले, आप मान लीजिए 42 का मिला है, अब आपको मैंने 47 का 48 का करके दिखा दिया, अब अपने और पीछे चलते हैं, मान लीजिए 39 का करते हैं, तो लोग ये नया मेथड है, थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, ठीक है, लेकिन जब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मान लीजिए 39 का स्क्वायर करना है, तो 39 का स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूंगा 50 से कंपेयर करूंगा, अब 50 से कंपेयर किया तो कितना कम है 11 कम है, 11 कम दिख रहा है ना मुझे, तो मैं 25 में से उसी 11 को कम कर दूंगा, कितना बचेगा भाई 14, कितना बच जाएगा 14। अब यहां पे दिक्कत आती है बच्चों के साथ, क्या दिक्कत आती है कि सर पीछे तो दो डिजिट आ रहे थे सीधे के सीधे, 8 का स्क्वायर किया था ना हमने 64 आ रहा था, पहले 2 का किया था 04 आया, 3 का किया था 09 आया, ठीक है, यहां पे 64 आ गया, लेकिन अब जब मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो सर मेरा आएगा जी 121। तो आपको क्या याद रखना है, इस तरफ दो ही डिजिट रखने हैं, ठीक है, दो ही डिजिट रखने हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको नहीं लग रही है ये चीजें, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप महारत हासिल कर लेंगे इनमें। अब दो डिजिट तो इस तरफ रख दी, यानी 21 इस तरफ रह गया, तो 21 का 21 आ गया नीचे, ये 5 और 1, यानी मेरा जो 39 का स्क्वायर था वो आ गया 15 21, क्लियर है, यहां तक हो गया अपना। चलो एक या दो एग्जांपल इस पे और करते हैं, फिर उसके बाद अपने चलेंगे, उसके बाद अपने चलेंगे 100 वाले मेथड पर, ठीक है भाई। तो इस पे आप एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए एक लेते हैं अपने 36, एक लेते हैं 36 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं मान लीजिए 33 का स्क्वायर, ठीक है, दो स्क्वायर और ले लेते हैं, और ये तो हो गए जो 50 से कम वाले हैं, कंपैरेटिवली कम वाले हैं ना, सारे कम ही हैं, आप देख लो 47 का किया आपने, ठीक है, सारे 42 का किया वो भी कम है, 36 का करेंगे वो भी कम है, 33 का करेंगे वो भी कम है, तो सब एक ही मेथड के हो गए। अब इसका करके देखते हैं, 36 को जब मैंने कंपेयर किया कितना कम रह गया 25 में से 14, तो मैंने 25 में से 14 कम है तो मैंने 14 और घटा दिए, कितने बचे भाई, ये मेरे पास बच गया 11। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितने कम है भाई 14 कम है, 14 कम कर दिया मैंने 25 में से, कितना बच गया आपके पास बचा 11। अब क्या करोगे आप, 14 का स्क्वायर, वही 14 का स्क्वायर करना है, कितना आता है जी 14 का स्क्वायर 196, कितना होता है 196, अब 196 आप ऐसे ही जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1296, इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हो। अब 33 का खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, दोबारा मैं करवा देता हूं, देखिए 33 का स्क्वायर, अब फिर से वही बात, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप लोग इसको सीख पाएंगे। अब 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 17 कम है,
50 में से 17 कम है तो मान लीजिए 17 कम है तो मैंने 17 25 में से घटा दिए। अब जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये लिख के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये मैं बार बार लिख के कर रहा हूँ कि 25 में से 14 घटा दिए, 25 में से 7 घटा दिए, 25 में से 8 घटा दिए। क्यों क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आपके लिए तरीका नया है। जब आप इसको बार बार करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरली कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में क्या आया कि सर 25 में से ये कितने कम है, ये 50 में से 17 कम है, तो 25 में से 17 कम किए मैंने सर 8 बचा, कितना बचा 8। अब 17 का कितना होता है जी, 17 का स्क्वायर कितना होता है जी 289, कितना होता है 289। तो ये आप माइंड में कर सकते हो कि 8 और 2 10 और 89 ये बन गया आपका 1089, ये आपका बन गया किसका 33 का स्क्वायर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोग इसको सीख जाओगे और ये एक ऐसी चीज है जो आपको अदर्स टॉपिक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपका जो वर्गमूल आएगा देख लीजिए, अब कई लोग पूछ लेते हैं कि सर वर्ग का आईटीआई में काम नहीं है, वर्ग को आईटीआई में आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता भाई? अगर आपसे मान लीजिए इसका वर्गमूल पूछ ले, 1089 का वर्गमूल पूछ ले और आपको इस तरीके से काम करना आता हो, 1296 का पूछ ले, ऐसा अगर आपको काम करना आता हो तो आप चार ऑप्शंस में से देखते ही आंसर बता दोगे। आपको अगर ये मेथड पता है ठीक है तो आप इस आंसर को चारों ऑप्शन में आपको जो भी आंसर मिलेगा, आपका एक ही आंसर होता है, आप आंसर को देखते ही पिक कर लोगे, आपका वही टाइम दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो आप ठीक है। अब ये तो थे 50 से कम वाले, अब अपने बात करते हैं 50 से ऊपर वालों की, 50 प्लस जाएंगे जो, कंपैरिजन अभी भी 50 का ही हो रहा है, अभी भी कंपैरिजन अपना 50 का ही हो रहा है। मान लीजिए आपको संख्या देता हूं मैं 52, संख्या दी मैंने 52, और संख्या दी आपको मैंने 54, और संख्या दी आपको मैंने 50, मान लीजिए 5 का तो इजी रहता है थोड़ा ठीक है, 58 मान लीजिए, ये संख्याएं दी मैंने आपको, इन सब का स्क्वायर करना है ठीक है। अब इन सब का स्क्वायर करने के लिए आप लोग यहां ध्यान से देखिए, कोई मेथड में चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, अभी भी हम कंपेयर ही कर रहे हैं। ये हमारी जो बेस वैल्यू है 50 और ये 25 अपने को मान के रखना है, एक वैल्यू अपने को एक को मान ये मान के रखनी है और इसके साथ अपने कंपेयर करेंगे। अब जब मैंने कंपेयर किया तो दो ज्यादा आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं 2, 50 से 2 ज्यादा है। तो अब आप पहले क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ना, अब उसी को जोड़ दो, अब उसी को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 2 कितना बन गया भाई 27, कितना हो गया 27। अब उसी 2 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, ये आपका बन गया 2704। ये सेम का सेम मेथड है, वहां हम घटा रहे थे, जितना कम था उतना 25 में से कम किए जा रहे थे, अब जितना ज्यादा है उतना 25 में से और जोड़े जा रहे हैं ठीक है। अब यहां क्या होगा 54 में, देखिए ध्यान से, 4 ज्यादा है, दिमाग में कर रहा हूं 4 ज्यादा है तो 4 और बढ़ गए 25 में, 25 और 4 29, 29 तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 16, हो रहे हैं ना ओरली। अब देखिए 55 का करेंगे, 55 का करेंगे तो देखिए 50 से कितने ज्यादा है 5, तो 25 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए 30 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 30-25 आपका आंसर है, 30-25 आपका आंसर है। अब 58 पे करेंगे तो 8 ज्यादा है जी, 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ेंगे 33 और 8 का कितना होगा 64। इस तरीके से आप लोग 50 के आसपास जितनी भी स्क्वायर होंगी आप उन सबको आराम से निकाल सकते हो। अब ये तो सर जी बहुत पास पास के नंबर थे, बहुत पास पास के नंबर थे जो निकल गए जी, अब बड़े नंबर कैसे निकलेंगे ठीक है, बड़े नंबर कैसे निकलेंगे? बड़ा नंबर अगर आप बोलो कि सर 69 काफी हार्ड है, डिफिकल्ट नंबर है, कैसे निकलेगा जी? कुछ भी हार्ड नहीं है, शर्त क्या है 1 to 25, ये आपको आनी चाहिए, इतनी स्क्वायर आपको आनी चाहिए। और अगर आप इनको 4-5 बार प्रैक्टिस करते हो ना, 1 से लेके 100 तक, 150 तक, आप 4-5 बार प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो आपका क्या है आराम से हो जाएगा, 1 से 25 तक तो आराम से याद हो जाएंगी, और मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये याद ही होती है 1 से 25 तक ठीक है। अब 69 है जी काफी हार्ड नंबर है, 73 है जी काफी हार्ड नंबर है, क्या करें इनका कैसे होगा? आप सिंपल सिंपल तो बता दिए आपने, पास पास वाले जो थे 2-4 का स्क्वायर हमें आता है, सबको आता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और सर और बताओ सर किसका होगा, 27 का क्या होगा जी, 27 का कैसे होगा जी, 27 का कैसे होगा? आप
25 से नीचे, एक बात और ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले से आप 25 से कम का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। यहां तक तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, 25 से नीचे तक का स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते, आपको 25 से ऊपर ही निकाल सकते हो इसे, ठीक है। आप 27 का और आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 75, तो इक्वल तक आ गया, 75 इक्वल तक आ गया, इतने नंबर अपने निकाल के देखते हैं। हार्ड नंबर अपने उठा लिए और बताइए, हार्ड नंबर अगर आप मान लीजिए 29 का ही उठा लेते हैं, ठीक है, कि सर जिसमें बड़ी कैलकुलेशन हो। बड़ी कैलकुलेशन का मतलब क्या है, अभी अपने 1 से लेके 5, 7 इतने तक का ही कम ज्यादा कर रहे थे, इतने तक का ही कम ज्यादा कर रहे थे अपने, अभी अपने क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर्स को स्क्वायर कम ज्यादा कहेंगे, बड़े वाले नंबर्स का कम ज्यादा हो जाएगा ना। अब मान लीजिए इसमें आप 68 और उठा लीजिए, 68 और उठा लीजिए, ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, 69, तो सेम मेथड आपने फॉलो करना है, 69 तो 50 से कंपेयर किया, कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 19। अब फर्क कहां पड़ा कि पहले मेरे को 2, 4, 5 उनका कम ज्यादा करना पड़ रहा था, अब मेरे को 19 की स्क्वायर आनी चाहिए ना, 19 की स्क्वायर। तो 19 की स्क्वायर अगर आती है तो कोई डिफिकल्ट नंबर नहीं है, ये कोई भी डिफिकल्ट नंबर नहीं है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। आपने देखा 50 से 19 ज्यादा है, 25 में 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 44, कितना हो जाएगा भाई, 44, और 19 का स्क्वायर होता है 361, कितना होता है भाई, 361। अब 361 को इसमें जोड़ दीजिए, 4761, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहां था ये डिफिकल्ट नंबर, क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे को 19 की स्क्वायर आती थी। अगर 19 की आप स्क्वायर पे कमांड कर लेते हो तो उसके बाद आप 100 से 150 प्लस तक अपने जा सकते हैं, और अगर आपका वर्गमूल पूछेगा ना तो इससे तो ज्यादा पूछने की बात ही नहीं है, आईटीआई लेवल में तो आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब 73 का देखते हैं, अपने 73 का देखें क्या होगा जी, सर 23 ज्यादा है तो 23 का तो मुझे स्क्वायर नहीं आता, तो अगर स्क्वायर नहीं आता तो दिक्कत है, अगर स्क्वायर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 ज्यादा है, 25 में 23 जोड़े कितने आगे, 25 में 23 जोड़ दिए, कितने आगे भाई, 48, कितने आगे, 48। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, क्या था भाई, 529, यही होता है। अब अपने इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 73 का, हाँ जी ठीक है, 5 ये जुड़ जाएगा 53 और 29 ये आ जाएगा, ठीक है, 5329। अब अपने बात करते हैं, मान लो 27 पे बिल्कुल छोटा सा नंबर है जी, लेकिन डिफिकल्ट क्यों है, अब मैंने वही सेम काम यहां भी करना है, वही सेम काम यहां भी करना है, क्यों सर, कंपेयर करके देखा 50 के साथ 23 कम आ रहा था, कंपेयर करके देखा मैंने 50 के साथ 23 कम आ रहा था, अब 23 कम आ रहा है तो 23 मैंने घटा दिया, किसमें से, 25 में से, कितना बचा भाई, 2, कितना बचा, 2 ही बचा ना, तो 2 बचा, तो अब 2 क्या करूं सर, किसका कम किया था, 23 का कम किया था, 23 की स्क्वायर कितनी होती है, 529, अब 529 यहां लिख दो बस, 729 बच गया 27 का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 75 का, 75 का देखो जी, 25 ज्यादा है 50 से, 50 से कितना ज्यादा है, 25, तो 25 ज्यादा है तो 25 में 25 और जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये मान लो 25 प्लस 25 किया मैंने, ये हो गया 50, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो ये आपका आ जाएगा 5625, कितना आ जाएगा, 5625। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। 29 का आप लोग देख लीजिए, 29 का क्या होगा, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, काफी, अब दोबारा देखते हैं 29 का, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर अपने जब देखेंगे तो वही चीजें अपने को सेम, मेथड सेम ही है, मेथड में अपने कोई भी नया चीज नहीं आएगी। 29 50 से कंपेयर किया, कितना कम रह गया, 21, कितना कम रह गया, 21, 21 कम रह गया तो 25 में से 21 कम कर दो, कितना बच गया, 4, कितना बच गया भाई, 4। अब 21 का क्या होता है जी सर, 21 का स्क्वायर नहीं आता, 441, कितना बन गया, ये आपका आंसर है। तो यहां तक अपने 50 के पास की कोई भी वैल्यू होगी उसको अपने
आराम से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक बार फिर से मेथड देख लीजिए, याद रखना इस मेथड को, और जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना इस मेथड पे आपकी कमांड बनती जाएगी। ठीक है, मेथड को दोबारा से देख लीजिए, क्या करना है, नंबर को कंपेयर करना है 50 के साथ। क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि नंबर 50 के पास है। अगर नंबर 50 के पास है तो ठीक है, अब पहला स्टेप आपका क्या होगा, 50 के साथ उसको कंपेयर किया, कंपेयर किया 50 के साथ। अब जितना या तो प्लस है या माइनस है, क्या है, या तो प्लस है या माइनस है, दो ही चीजें हो सकती है। अब जितना प्लस है या माइनस है, ठीक है, उसको आप कर दो किसके साथ, 25 के साथ। कितना, किसके साथ, अगर प्लस है तो 25 में जोड़ दो, अगर माइनस है तो उतना ही 25 में घटा दो, और जो आपने प्लस या माइनस किया था उसको आगे लिख के आपका नीचे आंसर आ जाएगा। ये मेथड था पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसी मेथड पे आप लोगों को ये 50 के पास जितने भी नंबर होंगे आप उनका सबका स्क्वायर निकाल सकते हो। 100 के पास जो स्क्वायर आते हैं, जो दूसरा मेथड मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात की थी, उस मेथड के बारे में अपने इसी वीडियो के पार्ट टू में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको चैनल, आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी और आपके दोस्तों की औरों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।